केयरफुल पर आपने मेरा एक्यूप्रेशर टॉपिक का वीडियो तो देखा ही होगा। आज का वीडियो बनाने का मेन रीजन है कि मुझे अपने नेचुरोपैथी सेंटर को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना। और आजकल की भागदौड़ की लाइफ में और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते और छोटी छोटी बीमारियों को इग्नोर कर देते हैं, जिनका रीजन उन्हें फ्यूचर में बहुत बड़ी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। इसके लिए कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि क्या है नेचुरोपैथी और क्या है नेचर केयर ट्रीटमेंट्स। तो बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि क्या है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी ये बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है। इसमें विदाउट मेडिसिन, मतलब मेडिसिन का यूज किए बिना ही पेशेंट को कैसे ठीक किया जाता है। हमारा शरीर पंच महाभूत तत्वों से बना है, यानी कि आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, इन पांच तत्वों का यूज करके ही हम नेचुरोपैथी में अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते हैं। इससे ही उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है और उनका ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होने लगता है। क्या है इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। अगर व्यक्ति की इम्यून सिस्टम कम हो या लो हो तो व्यक्ति को जल्दी बीमारियां घेर लेती है। अगर एक ही घर में ऐसे आदमी हो तो अगर घर में किसी को एक बीमारी हो, समझो कि उसको सर्दी, बुखार जो भी हो, तो वो इम्यून सिस्टम लो वाले व्यक्ति को वो जल्दी बीमारियां घेर लेती है और वो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इन फ्यूचर में। तो ऐसे में हमारे नेचुरोपैथी में उसके लिए बहुत सारे उपाय है कि आप उससे इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हो। जैसे कि फर्स्ट हम लोग ले लें डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी में आप ले सकते हो दही, जो कि खट्टा ना हो, दही और एक चम्मच शहद, उसका सेवन करने से, डेली उसका यूज करने से व्यक्ति की इम्यून सिस्टम बढ़ती है। सिर्फ इसका सेवन रात में ना करें, सिर्फ उसका इस्तेमाल दोपहर में कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सन, यानी कि सूर्य चिकित्सा। सूर्य चिकित्सा में यह आता है कि आप हमारे बॉडी के लिए विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है। हमारे हड्डियों को विटामिन डी की बहुत जरूरत है, उससे हड्डियां मजबूत होती है और हमारी इम्यून सिस्टम भी बढ़ती है। विटामिन डी की वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। ये आप नेचुरोपैथी में ऐसे छोटे छोटे यूज कर सकते। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको डाइट थेरेपी में बताया कि आप दही ले और शहद ले, तो दो चम्मच दही और एक चम्मच शहद को मिक्स करके दोनों एक टाइम या आप दो टाइम भी ले सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और इतना ध्यान रखिए कि वो दही खट्टा ना हो और आप इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दोपहर में करें, ना ही रात में। आई होप सो कि आप भी नेचर केयर ट्रीटमेंट्स के इन बेनिफिट्स को सुनकर आप भी नेचुरोपैथी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेचुरोपैथी के इन ट्रीटमेंट्स का लाभ लेंगे। और ये बिना खर्चिक और बिना साइड इफेक्ट्स वाली ट्रीटमेंट है कि आप इसको कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो। तो आज मैं सपना आपसे कहती हूँ कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बी अलर्ट, बी केयरफुल। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।